वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग गेमिंग मदरबोर्ड की, जो कि एक बेस्ट एंड बेस्ट मदरबोर्ड है और एसयूज़ की तरफ से आता है। बाकी आप अनबॉक्सिंग में सब कुछ देख लेना और बिना किसी देरी के चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइज हमारी कुछ इस तरह के अमेज़ोन की तरफ से पैकेजिंग आई है। फ़िलहाल कर देते हैं ऐसे पैकेजिंग को साइड में। सो गाइज ये हो चुका है टोटली अनरैप। इधर की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा मदरबोर्ड XA320M गेमिंग। इधर की तरफ आपको सबको द बेस्ट मदरबोर्ड इधर सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा और AMD के साथ सिंक देखने के लिए मिल जाता है आपको। इधर की तरफ आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे कर लेते हैं हम अनरैप। ये है इधर से आपको और ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये हो चुका है अनरैप। इधर की तरफ आपको मदरबोर्ड देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मदरबोर्ड को कर देते हैं साइड में। अब हम देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको और क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर की साइड आपको देखने के लिए मिल जाता है एक और बॉक्स। इस बॉक्स को भी कर देते हैं साइड। इधर की तरफ आपको इसकी डाटा केबल देखने के लिए मिल जाती है। इधर की तरफ आपको उसका स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है जो आपके कैबिनेट में लगता है। तो गाइस हमें बॉक्स के अंदर ये सब कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इधर आप सब कुछ देख सकते हो। इधर की तरफ आपको ये सारे स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इधर आपको इसकी केबल देखने के लिए मिल जाती है। इधर आपको बोल्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एक मैनुअल, एक CD और मेन हमारा मदरबोर्ड। अब फिलहाल इन सब चीज़ों को कर साइड। अब बात करते हैं अपने मदरबोर्ड की। गाइस इधर की तरफ आपको फाइनल मदरबोर्ड देखने के लिए मिल जाती है। इधर आपको प्रोसेसर का स्लॉट, ये आपके लिए ये फ़ैन होता है जो कि आप प्रोसेसर के ऊपर लगाते हो, उस फैन का स्लॉट है। चार आपको रैम स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, 1 ग्राफिक कार्ड स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी इधर की बात कर लें तो इधर की तरफ आपको कौन कौन से पोर्ट देखने के लिए मिलते हैं। आपको 4 USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, एक HDMI और बाकी 2 और USB 2.0 पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इधर की तरफ आपको TV या फिर अपने PC के साथ जोड़ने के लिए, आपके मदरबोर्ड के साथ अपने मदरबोर्ड को अपने मॉनिटर के साथ LCD या TV के साथ जोड़ना चाहते हो तो उसका स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। इधर की साइड आपको देखने के लिए मिल जाता है इसका SSD जो कि आपको उसमें लगती है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये आपको SSD स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है जो कि मदरबोर्ड इनबिल्ट SSD होती है। और बाकी यही सब देखने के लिए मिल जाता है। और हमारी कुछ टाइम बाद हमारी एक PC बिल्ड वीडियो भी आने वाली है, तो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़।